व्हाट्स अप यूट्यूब फैम, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमारा पिछली वीडियो में काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है और लगभग हमारा तकरीबन 50 मिलियन डॉलर के आसपास का हमारा जो है नुकसान हो चुका है। तो अभी हमें पूरा बदला लेना है बेलास गैंग से, क्योंकि बेलास गैंग ने हमारे संग बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। हमारे सारा गाड़ियों को तबाह कर दिया और हमारे पूरे शोरूम को जला के खाक कर दिया उन्होंने, इसलिए अब हमें उनसे बदला लेना है। तो हमारी अभी लेस्टर से बात हुई है, तो लेस्टर ने कहा ठीक है, इसके लिए वो इंतज़ाम कर रहा है। तो उसने कही है कि आर्मी के पास 2 ऐसे व्हीकल्स हैं कि अगर तुम उन्हें चुरा लोगे तो तुम पूरे बेलास गैंग को एक बार में ख़त्म कर सकते हो। तो अभी हमारी लेस्टर से बात हो चुकी है, तो उसने कहा है पहले तो तुम अपने लिए मास्क ले लेना, क्योंकि तुम्हें आर्मी बेस में घुसना पड़ेगा। क्योंकि अगर आर्मी बेस में घुसना है तो अगर एक बार अगर आर्मी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होने वाली है, क्योंकि फिर आदमी उसको छोड़ती नहीं है एक बार अगर उसकी किसी से दुश्मनी हो जाती है। तो चलते हैं, पहले जल्दी से ख़रीदते हैं मास्क और देखते हैं फिर क्या करना है। फिर उसने कही है कि वो ट्रेवर और फ्रैंकलिन को भी बुलाने वाला है हमारी मदद के लिए, और उसने बैनी को बोल दिया है एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतज़ाम करने के लिए, कि उस पर मतलब अगर हम गोली भी मारें या अगर उस पर पूरी मिसाइल आके भी लग जाए ना तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम क्या करते हैं। हमें छुपके से तो पहले उसमें घुसना पड़ेगा मिलिट्री बेस में। तो चलिए पहले चलते हैं, एक मास्क खरीदते हैं पहले। और अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ बची हैं, जो है हमारी ये BMW बाइक और हमारी लैम्बोर्गिनी सियान। वो भी इसलिए बच गई थी क्योंकि लैम्बो जो थी वो पार्किंग में खड़ी थी हमारी गैरेज वाली, और जो हमारी ये BMW थी, अरे भाई साहब यार उसे बाद में देखते हैं, पहले यार जो काम करने आए पहले वो करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी हम बाइक ले गए थे इस वजह से बच गई थी, और जो हमारी लैम्बो थी वो इस वजह से बच गई थी क्योंकि वो पार्किंग में हमने खड़ी कर रखी थी। तो अभी चलते हैं जल्दी से भाई, आराम से। तभी हम अपनी बाइक को भगाते हुए पहुँच चुके हैं सीधे उस जगह पर जहाँ से हमें वो मास्क मिलने वाले हैं भाई, आराम से। तो मास्क की शॉप यहीं कहीं है, होनी चाहिए मेरे ख्याल से, यहीं कहीं है आगे शायद, देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिलेगी। भाई ये गई है मास्क की शॉप। ठीक है, जल्दी से खरीदते हैं। अरे भाई तू क्यों लड़ रहा है जबरदस्ती, तो उससे मैंने कुछ कही है नहीं, बेमतलब मैं लड़ना है, बेमतलब तू भी आ जा। हाँ, बेफालतू लड़ाई, बेफालतू में बन रहा है खिलाड़ी, तेरी भैंस की टांग रुक जा तू आज, पुलिस और पीछे पड़वा दी यार इन लोग ने। अच्छा खासा मास्क खरीदने आया था यार मैं तो बस। अच्छा लूज कॉप्स, अरे यार इनके चक्कर में अब ड्रामा हो गया यार बहुत तगड़ा, भी मतलब मैं पुलिस पीछे लग गई, अभी हम छुप जाते हैं यार यहाँ पे, पुलिस आने ही आ ली। अरे यार इन लोग के चक्कर में गलत ड्रामा हो गया यार, अच्छा खासा यार पुलिस से भी मतलब मैं लड़ने आ गए थे एक तो खुद पहले से, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, जाने देते हैं पुलिस को चुपचाप पे जा। अरे पुलिस का भी आजकल हमसे पंगा बहुत बढ़ गया है, चुपचाप छुप ले यार। तो भाई आ रही है पुलिस, नहीं आ रही है, छुप जा बस। यहाँ कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे अंदर घुस के मैं बच जाऊँ, पुलिस पीछे लग गई यार, भागो भागो भाई भागो। अभी यहाँ से भागने में भलाई है, खरीद लेंगे बाद में मास्क, अगर बच गए तो मास्क तो बाद में भी खरीद सकते हैं यार, पहले यहाँ से भागो। एक तो बेमतलब मैं 2 स्टार की पुलिस पीछे लग गई है, कुछ करा वरा कुछ भी नहीं है, पुलिस पीछे लग गई यार इतनी। हटो यार हटो भाई हटो, तू पहले आ जा मरने के लिए, करा वरा कुछ नहीं है, पुलिस वैसे पीछे लग गई यार, हम तो उसे जानते ही नहीं थे भी, मतलब मैं खुद से आगे लड़ा वो हमसे और पुलिस हमारे पीछे लगवा दी यार उसने, पुलिस बस पीछा छोड़ दे तो ज़्यादा बढ़िया है भाई, पीछे हो लेता हूँ थोड़ा, छुपना पड़ेगा यार यहाँ से, तो बस कहीं से भी पुलिस ना आ जाए।
चलो पुलिस हट गई यार, जल्दी से चलते हैं, पहले अपने लिए मास्क खरीदते हैं यार। बे मतलब मैं करा कुछ नहीं था, पुलिस इतनी पीछे पड़वा ली हमने। ओ भाई ताप के चलते हैं फटाफट। इसकी भैंस की टांग, अब क्या करें यार, गाड़ी को लेते हैं चुपचाप। वहां तक कौन चल के जाएगा यार। इस गाड़ी को यहीं कहीं छोड़ देंगे, हड़ा जाओ चलो। अब पुलिस मत पीछे पड़वा देना यार, बेमतलब में लड़के। पता नहीं उस बंदे को क्या खुन्नस चढ़ी थी हमसे, बेमतलब भाई, बेमतलब में आके हमसे एक तो लड़ लिया यार। बॉडी बना रखी है उसका, मतलब ये थोड़ी यार किसी से भी लड़ लो, बेमतलब का। और पता नहीं है माइकल इतना बड़ा गुंडा है यहाँ का। कोई बात नहीं, इसे गाड़ी को यहाँ लगाते हैं, मास्क खरीदते हैं पहले यार अपने लिए, ये लोग तो बेवकूफ हैं। अब तूने सॉरी बोल दिया ना, ठीक है चलो। हाँ भाई मास्क तो दिखा दे कम से कम। मंकी ठीक रहेगा, ठीक है जल्दी से चलते हैं। यार बाइक कहाँ गई अपनी, बाइक भी तो यहीं कहीं लगाई थी हमने। चक्कर में बाइक और पता नहीं कहाँ चली गई है। कोई बात नहीं, वो शायद बाद में आ जाएगी। यहीं कहीं छोड़ी थी यार हमने बाइक, तो कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे बाइक को अपनी, ढूंढ लेंगे। अभी हम चलते हैं फिलहाल सीधा बेनी के गैरेज पे, वहाँ से फ्रैंकलिन और ट्रेवर को पकड़ते हैं जल्दी से। तो अभी हम पहुंचते हैं जल्दी से बैनी के गैरेज पे। और ओ भाई हट जाओ यार, आज टाइम नहीं है, आज अगर अब कोई लड़ने भी आएगा ना तो मना कर दूंगा भाई सामने से, रुक जा हट जा। तो अभी हम गाड़ी को भगाते हुए से पहुंच चुके हैं बैनी के गैरेज के पास, तो बस यहाँ से थोड़ी सी दूरी रह जाता है। ओ भाई क्या मस्त ड्रिफ्ट मारी यार मैंने, तो बस यहीं से एक कट लेना है हमें अंदर गली में, और हम सीधा बैनी के गैरेज के पास पहुंच जाएंगे, या बैनी के गैराज पे ही पहुंच जाएंगे कह सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं क्या, यहाँ पे शायद फ्रैंकलिन, ओ फ्रैंकलिन और ट्रेवर आ चुके हैं। तो जल्दी से पहले मैं अपनी गाड़ी को कहीं छुपा देता हूँ, जिसकी गाड़ी है वो ढूंढेगा तो। चलिए जल्दी से देखते हैं, वो दोनों शायद जाके बैठ भी चुके हैं गाड़ी में। हाँ तो जैसा मैंने कहा था वो बैठ चुके हैं, तो जल्दी से हम बैठते हैं अब गाड़ी में और सीधे चलते हैं वहाँ पे आर्मी बेस पे। भाई देखो बेनी ने क्या मस्त बना दिया गाड़ी, एकदम बुलेट प्रूफ गाड़ी है यार ये, देख सकते हो आप जैसा कि। तभी हम जल्दी से निकलते हैं और इनसे कहते हैं हमारा पीछा करेंगे ये लोग, जब हम चुपचाप से निकलेंगे उसके आर्मी बेस पर, क्योंकि जैसे हम एंट्री लेंगे भाई पुलिस बहुत ही तगड़ी पीछे लगने वाली है। जब तक किसी को नहीं पता चल रहा तो नहीं पता चल रहा, जैसे ही हम एंटर करेंगे भाई उसके बाद जो हाल होने वाला है हमारा, बस उसका कुछ नहीं हो सकता। हम गाड़ी को भगाते भगाते सीधा पहुंच चुके हैं आर्मी बेस के पास, बस यहाँ से थोड़ी सी दूरी रह जाता है अब आर्मी बेस। तो देखते हैं जल्दी से पहुंचते हैं और क्या देखते हैं किसी तरह हम एंट्री कर पाएंगे बिना पुलिस चार लगे, तो देखते हैं। तो बस अब पहुंच ही गए हैं लगभग, ये सामने आप जो देख पा रहे हैं जितनी भी लाइट जल रही है उधर की साइड, ये सब आर्मी बेस है पूरा। और भाई यहाँ पे घुसना मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क है, तो मैं देखता हूँ किसी तरीके से अगर हम घुस पाएंगे तो। गाड़ी भी देख सकते हो आप यार, बहुत ही तगड़ी भाग रही है, जिस हिसाब से भारी गाड़ी है भाई, यहाँ से ही चढ़ा देता हूँ ऊपर। तो भाई भाई आराम से यहाँ से चुपचाप ऊपर चढ़ा देता हूँ गाड़ी को, नहीं चढ़ रही, वो हेलीकॉप्टर घूम रहा है। गाड़ी टूट भी जाए तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, पर हाँ चुपचाप घुसना पड़ेगा यार हमें।
यहाँ से देखते हैं कुछ रास्ता बन जाए तो। भाई आराम से। शिट 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 शिट, तो अभी हम पहले खुद देख के आते हैं यहाँ से कोई रास्ता है या जाने के लिए या नहीं है। तभी हमारी लेस्टर से बात हो चुकी है, उसने हमें बहुत ही तगड़ी जगह बताई है जहाँ से हम चुपचाप एंट्री कर सकते हैं इस आर्मी बेस के अंदर, और किसी को शायद पता भी ना चले अगर हम एंट्री लेंगे तो उस दर से। तो जल्दी से चलते हैं, ये दोनों बैठे हुए हैं अभी अपना गाड़ी में मस्त। उसके लिए यार पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा यहाँ से। ओ भाई भाई, गाड़ी चढ़ जाए एक बार ऊपर। एक तो यार सीधी खड़ी है चढ़ाई एकदम, तो उसमें दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, वरना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भाई आराम से चुपचाप एकदम, किसी को शक नहीं होना चाहिए। यहाँ हेलीकॉप्टर भी उड़ते रहते हैं। ये आ गए हम सीधे उसी रास्ते पे जहाँ से हम चुपचाप एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ से किसी को भी पता भी नहीं पड़ेगा। बस खुल जाए एक बार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी हम चुपचाप बेस पे एंट्री ले चुके हैं, और अभी चुपचाप चुपचाप हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे। भाई रुक जाओ, हम गाड़ी को अपना एकदम कहीं छुपा देते हैं। ओ भाई यहाँ तो डेड एंड है ना। ओ शिट, उतरो 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 चुपचाप। तो अभी हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं, तो जल्दी से चलते हैं। ये देखते हैं दोनों आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं आ रहे हैं, जल्दी से चलते हैं। एक सेकेंड, तभी हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और चलो चलो, वो भाई इस गार्ड को चुपचाप निपटाना पड़ेगा, क्योंकि इसने अगर हमें देख लिया तो भाई बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे यार अपनी वो कहाँ गई स्टन गन। चाप से चलते हैं, ऐसे कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, ये बस हो गया न्यूट्रलाइज। ओ भाई भाई उठ मचा, उठ मचाइए, बस बस हो गया काम। वो लोग शायद उधर कुछ देख रहे हैं, देखता हूँ मैं क्या। जैसे ही एंट्री लेंगे भाई बेस पे, आज हमारा नुकसान ही होगा शायद। चुपचाप से निकलते हैं इधर। हाँ रहे होंगे शायद वो लोग भी। इधर से तो कोई रास्ता है ही नहीं। जल्दी से आ रहे हैं वो लोग आराम से अपना। तो भाई हेलीकॉप्टर निकल रहा है यहाँ से, हमें किसी तरह से एंट्री लेनी पड़ेगी भाई। अब स्टन गन हाथ में ले लेता हूँ, ताकि कोई भी अगर सोल्जर आएगा तो बस तुरंत तो उसको न्यूट्रलाइज करके हम अंदर एंट्री ले लेंगे। वो लोग शायद पीछे के रास्ते से, किसी और रास्ते से आ रहे हैं, ताकि उन्हें शक ना हो हम पे। वो भाई गेट आराम से टाप लेंगे यार, इसे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। अरे टाप जल्दी, तो अभी हम टाप के इधर आ चुके हैं। चुपचाप से निकलते हैं, कोई हमें ना देख ले उससे पहले निकलते हैं यहाँ से। वो लोग किसी और रास्ते से आ रहे हैं शायद, जल्दी से निकलते हैं। कोई है तो नहीं ना यहाँ पर। ओ भाई कैमरास, शिट 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 शिट, वहाँ पे है एक सोल्जर है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं पहले भाई। उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है भाई बहुत ज़्यादा, कि उसने हमें देख लिया तो भाई बहुत ही ज़्यादा लेने के देने पड़ जाएंगे। पहले हम उधर ही जाना पड़ेगा यार, पर कैमरा की नज़रों में हो क्या। शिट कोई बात नहीं, हम कैमरा को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बाकी फिर संभाल ही लेगा। शिट अभी मैं इसे न्यूट्रलाइज भी नहीं कर सकता, पहले इसको करना पड़ेगा, वरना अगर इसने हल्ला मचा दिया। चुप चुप चुपचाप लेटा रहे,
बस हो गया न्यूट्रलाइज भाई। पहले कैमरा फोड़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ सबूत आ चुका है भाई हमारा। चलो ये कैमरा गया काम से, इसकी पूरी पावर ही उड़ा दी हमने। ओ भाई गड़बड़ हो गई, कैमरा तो हमने खराब कर दिया है, उसके आगे कुछ आएगा नहीं है हमारा। हम चुपचाप से एंट्री लेते हैं बेस के अंदर। कोई आ रहा है क्या? एक सेकेंड, नहीं कोई नहीं आ रहा। वो भाई यहाँ पे भी एक है सोल्जर, उसे न्यूट्रलाइज करते हैं हम। बस हमारा काम खत्म, एक सोल्जर उधर की साइड है। उसे जब तक कुछ पता चलती है जब तक हमने सीधे उसका हेडशॉट मारा यार। ओ भाई 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 उठना नहीं है। और किसे फोन कर रहा, किसे फोन कर रहा? फोन नहीं करना है, चुपचाप लेटा रहा भाई। हमारा ही नहीं है यार अब तक, क्या चल रहा है इसके अंदर? बस अब खत्म, हम जैसे तैसे पहुंचते हैं उधर की साइड। और शायद फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी इधर आ चुके हैं अभी। हमारे ऊपर किसी को शक हुआ नहीं है तो जल्दी से देखते हैं, छुपते हैं पहले तो यार, कवर लेते हैं अंदर की साइड, देखते हैं अंदर कोई है या नहीं है। तो गाइस अभी हम देखते हैं जल्दी से कि वो अंदर हैं कि नहीं। और जी हाँ, वो दोनों अंदर पहुंच चुके हैं। तो जल्दी से हम भी चलते हैं और बैठते हैं फटाफट। और जैसे ही हम इन गाड़ियों को ऑन करेंगे भाई, जैसे ही मैं पावर दूंगा गाड़ी में, सोई हमारे पीछे पुलिस लगने वाली है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर है GPS बहुत ही तगड़ा, जो हमें बहुत ही महंगा पड़ सकता है। ओ भाई पुलिस जैसा मैंने कहा था आपसे पीछे पड़ चुकी है यार, जल्दी से निकलते हैं हम। और भाई सीधे आ रहा है हम, ड्राइवर भी हमारे पीछे। ओ भाई पुलिस पड़ चुकी है बहुत ही तगड़ी। हो भाई कहाँ है ड्राइवर? आ जल्दी यार, क्या कर रहा है? ओ भाई ड्राइवर जल्दी आ। ओ भाई चलो चलो, ड्राइवर आ जाएगा, ड्राइवर हमसे ज़्यादा, उसने कही थी वो सीधा पहुंच जाएगा और उस गाड़ी को जो है छुपा देगा। पहले हम निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई छुपाते जल्दी से इस गाड़ी को अपनी। ओ भाई टैंक ना आ जाए यार यहाँ से सामने से भाई, बहुत ही तगड़ा गेम होने वाला है यार अब। भाई बहुत, ओ भाई बच गया। ओ भाई बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए यार, ये देखा कितना बुलेट प्रूफ है यार। ओ भाई बच गए। ओ भाई तो अभी फ्रैंकलिन ने कह दिया वो सीधा ड्राइवर के संग ही आएगा और हमसे कही है तुम निकल जाओ यहाँ से और जल्दी से उसको जल्दी से छुपाओ यार यहाँ पे से। ओ भाई ये गेट भी नहीं खोल रहे हैं यार अब तो। ओ भाई फंस गए हम गलत यार, गलत फंस चुके हैं इस टाइम हम। ओ भाई अच्छा ये बुलेट प्रूफ है पूरी, नहीं तो आज हमारा काम तमाम हो जाता यार। तो ड्राइवर भी अब निकल चुका है, शायद वहाँ से कहीं और ही पहुँच चुका है वो। अभी हम निकलते हैं यार यहाँ से, किसी भी तरह कहीं एग्जिट मिलता है तो तुरंत भाग जाएंगे यार यहाँ से। ओ भाई आराम से। ओ भाई गलत आ गए क्या? तो अभी यार निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से, हम छुपा तो रहे हैं भाई। पुलिस भी मतलब स्टार्स तो हट रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम यहाँ से भाग चुके हैं। ओ नहीं भाई, पर नहीं 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 भाई, आज तो बहुत गलत पंगा हो चुका है यार। मैं देखता हूँ कहीं और से रास्ता मिलता है तो यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से, क्योंकि इधर कोई भी अभी टैंक है नहीं। ओ भाई सामने से आओ भाई, बच गया बच गया। ओ भाई हट यहाँ से, अब इतना टाइम नहीं है। ओ भाई खोल दो यार गेट, कोई तो खोल दो। ओ भाई सीधे पीछे ही आ चुका है हमारे टैंक, बच गए अभी हम, फिलहाल तो बच चुके हैं। ओ भाई नहीं 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 टैंक नहीं, नहीं भाई टैंक नहीं 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 भाई, आज तो बहुत गलत सीन हो चुका है यार। ओ भाई टैंक बिल्कुल बराबर में फोड़ रहे हैं यार, मैं निकलूँ कैसे पहले तो मैं यहाँ से यह सोच रहा हूँ यार। कोई भी रास्ता समझ में आ नहीं रहा यार मुझे तो यहाँ पे। ड्राइवर भी पता नहीं कहाँ निकल चुका है भाई, उसे कैसे रास्ता मिल गया यार।
ड्राइवर तो निकल चुका है, पहुंच चुका है, और हम ही फंस चुके हैं यार यहाँ पे बहुत ही गंदे सीन में। ओ भाई मैं निकलूँ कैसे? ओ भाई बहुत ही गलत पंगा ले लिया यार मैंने इनसे, गलती कर दी। शिट यार शिट, अभी पहले मैंने घुमाता हूँ किसी भी तरह। ओ भाई तो गाइस अभी हम जैसे तैसे बाहर निकल चुके हैं, फ्रैंकलिन भी हमें यही मिल गया था कि ड्राइवर तो पहुंच चुका है, मैं तुम्हारे लिए रुका हुआ था। और भाई सामने से इस टाइम मिलिट्री की पूरी फौज आ रही है यार। तो गाइस अभी पूरी बहुत बुरा पंगा हो चुका है हमारा मिलिट्री के साथ। ओ भाई नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, हट जा। ओ भाई हट जा यार, नीचे गिर जाएंगे नहीं तो हम। ओ भाई बहुत ही गलत सीन हो चुका है यार इस टाइम। ओ भाई भागो यार यहाँ से, गलती करती मिलिट्री से पंगा लेके यार, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से। वो तो अच्छा ये बुलेट प्रूफ है तो यार कम से कम हम बचे हुए हैं। ओ भाई पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा दी है क्या? ओ भाई हटो, फ्रैंकलिन मस्त लपेट रहा है नेक्स्ट टाइम, और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब तक हमारे पास ये व्हीकल है। और इधर हम जा नहीं सकते, इधर खतरनाक वाला पानी है, अगर थोड़ा सा भी स्लिप हुआ। हाँ ओ भाई भाई ये पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे यार इतनी आसानी से, जब तक हम, मुझे लग रहा है जब तक हम शहर नहीं पहुंचेंगे ना, जब तक इनसे नहीं बच पाएंगे। ओ भाई इतनी नाकाबंदी, भाई पूरा ट्रैफिक रोक दिया इन्होंने एक साइड से। ओ नहीं 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 हटो, चलो हटो, तुम बच नहीं पाओगे यार हमसे, चिंता मत करो, हटो हटो सामने से हटो, भाई गिर जाओगे तुम, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे भाई, इस ट्रक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम, बहुत ही खतरनाक ट्रक है यार, छोटा मोटा ट्रक समझाया क्या तुमने से? हटना भाई, इधर बहुत ही गंदा वाला पानी है, हम तो इसमें डूब जाएंगे यार। इसकी भैंस की टांग, तू आ जा पहले, हाँ तू पहले घुमा ले, आ जा आ जा आ जा, घुमा ले घुमा, आ जा। तेरी हेलीकॉप्टर और पीछे पड़ गया यार। बस खुश, तो अभी फ्रैंकलिन को मौका मिला था तो वो तर के भाग चुका है। तो गाइस अभी फ्रैंकलिन को मौका मिला था तो वो भाग चुका है, कह रहा है कि तुम लोग निकलो, मैं अपने पीछे पुलिस नहीं बढ़वाना चाहता इस टाइम, तुम निकलो। तो अभी वो हमारे पास से चला जा चुका है और उसके पीछे पुलिस नहीं है, क्योंकि पुलिस ने उसे देखा भी नहीं इतने ढंग से, क्योंकि ऊपर की साइड अंधेरा था और उसके सामने मशीन गन आ रखी थी। ओ भाई हट जाओ यार, लॉस सैंटोस आ चुके हैं हम, और बेलास गैंग तुम्हारा खात्मा पक्का है भाई, अब नहीं बचा सकता तुम्हें, क्योंकि हमें ये ट्रक मिल चुका है, पूरी तरीके से नहीं मिला अभी। हाँ अभी टाइम लगेगा यार इसे, जब तक पुलिस हमारे पीछे, जब तक तो नहीं मिला है, पुलिस हमें कभी भी पकड़ सकती है यार, तो कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा किसी तरह हम छुप जाएं पुलिस से, जो नामुमकिन सा लग रहा है भाई अभी इस टाइम तक। भाई पुलिस यहाँ पे क्यों घूम रही है अंदर? हटो हटो, नहीं हटोगे आज लो, बस हो गया, कर रही घेराबंदी, चलो आ जा तू, आ जा पहले यार, जबरदस्ती पंगा ले रहे हैं, पता नहीं पकड़ पाएंगे फिर भी, आज तक पकड़ पाए हैं लोग? ओ भाई कैसे परेशान है, बस हो गई तसल्ली, घंटा भर से परेशान कर रखा है यार इन लोगों ने। तू आ जा पहले,
ओ भाई इस सुरंग के अंदर ले लेता हूँ मैं। ये अंदर आएंगे नहीं वैसे, और आ भी जाए तो हम इनसे पहले भाग जाएंगे। ओ भाई भाई भाग जा अंदर, आ जाएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। और भाई अंडरग्राउंड आ चुके हैं इस टाइम हम। उन्हें जीपीएस का सिग्नल जरूर मिल रहा होगा, पर वो ये नहीं समझ पाएंगे हम गए किधर से हैं। ओ भाई अभी हम यहीं रुकते हैं थोड़ी देर, पीछे से तो कोई नहीं आ रहा ना। ओ भाई ये मेट्रो वाला सीन गंदा हो जाएगा अगर ये मेट्रो, भाई मैं गलत आ गया क्या? ये तो मेट्रो में ना निकल जाए हम, पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, बाहर निकल रहा है क्या कहीं? ओ भाई इस टाइम पुलिस जा चुकी है पूरी तरीके से, हमारे कब्जे में आ चुका है यार ये टैंक। अब तो अब ये नाले में से निकलते हुए हम कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही, वो जल्दी से निकलते हैं इधर से बाहर किसी भी तरह। ओ भाई 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 बंद हो जाएगा इधर तो, इधर तो बंद हो जाएगा, रुक जाए तो कहाँ जा रहा है इसे लेकर? फ्रैंकलिन भाई मस्त गायब हो चुका है यहाँ से, फ्रैंकलिन के पीछे पुलिस नहीं है अब इस टाइम, और अब किसी के भी पीछे नहीं है क्योंकि ड्राइवर से भी हमारी बात हो चुकी है। ड्राइवर ने कहा है कि हाँ उसने वो टैंक जो है छुपा दिया है, बस तुम जल्दी से आ जाओ, तुम पता नहीं कहाँ पे हो। उसे कौन बताया यार कि हम कितनी मुश्किलों से ये टैंक छुपा गया। ओ भाई पीछे लेना ही पड़ेगा यार, मतलब ये रास्ता सही तो है, मतलब ये यूज़ तो होता है, इनने हमें पूरा रगड़ दिया है पर इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा है भाई बहुत ही ज़्यादा मजबूत ट्रक है। यहाँ से कोई मेट्रो ना आ जाए यार, अब मैं पीछे नहीं लेने वाला, अब मैं चढ़ा दूंगा भाई ऊपर। पता नहीं बाहर से निकलने के लिए रास्ता है कि नहीं है। ओ चलो अच्छा है बाहर निकल गया है हम सीधे। ओ भाई पुलिस अब भी ढूंढ रही है क्या हमें? खैर हम तो अब चुपचाप निकल जाएंगे उसको इलेन के घर के पास, वहाँ पे जो पहाड़ है उसके पास छुपा देते हैं, वहाँ पे कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा उस टाइम। हम आ तो वहीं से रहे थे पर हमें ये वाला अंडरग्राउंड रास्ता लेना पड़ा पुलिस छुड़ाने के लिए। यार बहुत ही गंदा पंगा लिया है आज हमने पुलिस से, तो लेस्टर अब सीधा सबूत मिटाने में लगा हुआ होगा इस टाइम तो। लेस्टर से फोन करना ही बेकार है यार, वो कॉल उठाएगा भी नहीं। हाँ हमने लेकिन उसे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि हाँ हम पहुंच चुके हैं सीधे सीधे वहां पे, बस पहुंचने वाले हैं सीधे थोड़ी देर में माइक फ्रैंकलिन के घर पे। फ्रैंकलिन के घर के पास उसको पार्क कर देते हैं। फ्रैंकलिन तो पहुंच चुका है भाई टैक्सी लेके इस टाइम, वो मस्त निकला भाई बीच में से कूद गया कि पुलिस इस टाइम नहीं है यहाँ आसपास, यहाँ से कूद जाता हूँ मैं निकल जाता हूँ, और वो निकल गया भाई मस्त एकदम। चलो अच्छा है यार उसके संग, वैसे उसके पीछे उस पुलिस पड़ाना भी कोई भी अच्छी बात नहीं है। चलो खैर अभी हमारे पास ये आ चुका है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। भाई क्या मस्त ड्रिफ्ट मार रहा हूँ यार मैं, एक्सपर्ट हो गया हूँ यार मैं अब। चलो कोई बात नहीं जल्दी से बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सीधा यहाँ फ्रैंकलिन के घर के पास। ओ भाई यहीं कहीं है ना फ्रैंकलिन का घर? मैं हमेशा एक कट ऊपर या नीचे क्यों आ जाता हूँ? इनका रास्ता किधर है घर का मतलब? तो अभी हम देखते हैं जल्दी से पहुंचते हैं फ्रैंकलिन के घर पे और इसको छुपा देते हैं, पुलिस हमें नहीं ढूंढ पाएगी उसके बाद। और बेनी को भी हमने बुला लिया वहीं पर फ़ोन करके, तो बेनी कह रहा था मैं बस पहुँच रहा हूँ और इसका GPS निकाल देगा वो, उसके बाद तो बिल्कुल ही पुलिस इसे ट्रैक नहीं कर पाएगी। उसने कहा है तुमने इसे इतना ठोका है तो वैसे भी शायद उसका वो ख़त्म ही हो गया होगा GPS तो। तो देखते हैं अगर लग भी रहा होगा तो, कह रहे नहीं तो पुलिस तो मैं छोड़ती ही नहीं बिल्कुल इतना, फिर भी मैं निकाल दूंगा सेफ्टी के लिए कि बाद में बाई चांस अगर कुछ पंगा रहता है तो उससे तुम बच जाओ। चलो हटो यार यहाँ से, इतना टाइम नहीं है हमारे पास।
अभी मैं यहीं कहीं छुपा दूंगा ऐसे फ्रैंकलिन के घर के पास, और फ्रैंकलिन को बता दूंगा कि हाँ फ्रैंकलिन हमने ये छुपा दिया है और इसका ध्यान रखे हुआ। तो गाइस अभी हम मैं इसको बिल्कुल यहीं छुपा देता हूँ। तो गाइस अभी हमारी सुबह हो चुकी है और हमने जो है इसे यहाँ छुपा दिया था इन झाड़ियों में ट्रक को, और अभी इस टाइम बेनी भी आ चुका है और वो निकाल रहा है इसमें से जीपीएस और जो जितनी भी टूट फूट हो गई थी इसमें वो सारी सही कर रहा है। जो ड्राइवर है वो भी थोड़ी देर में ही आता होगा अपना जो टैंक लेके आया था वो उसे लेके, ताकि उसे भी बेनी रिपेयर कर सके और उसमें से भी जीपीएस निकाल दे। तो लेकिन बेनी ने कहा कि तुम मत लेके आओ ड्राइवर, एक काम करता हूँ मैं खुद ही आ जाता हूँ। तो ठीक है ड्राइवर, तुम कह दिए ठीक है तुम ही आ जाना। तो अभी वो वहाँ पे अपने गाँव में ही है, और वो गाँव में ही है तो बेनी को भी वहीं जाना पड़ेगा कही थी उसने। तो अभी हम चलते हैं फ्रैंकलिन से बात बात करते हैं, देखते हैं फ्रैंकलिन घर पे है या नहीं। तो देखते हैं अभी फिलहाल, अगर फ्रैंकलिन घर पे होगा तो कोई बात नहीं है, उससे मिल लेते हैं, और नहीं होगा तो फिर उसे उसके लिए एक नोट छोड़ जाएंगे यहाँ पे कि जब भी भाई है नहीं शायद, नहीं तो यहाँ पे उसका जो डॉगी है वो होता है यहाँ पे। उस टाइम कोई भी नहीं है क्या यहाँ पे, पूरा ही खाली पड़ा है क्या घर, उसे खुला ही छोड़ जाता है यार ये फ्रैंकलिन, बिल्कुल ही अजीब केस है यार। खैर हमारे घर में कौन ही आएगा, रास्ता था ना एक नीचे जाने के लिए, मुझे नहीं मिल रहा या है ही नहीं। है तो सही, यहाँ से भूल गया था, हो सकता है यहाँ कहीं होनी चाहिए बेडरूम वगैरह में। तो यहाँ पे भी नहीं है इस टाइम फ्रैंकलिन, तो शायद घर पे है ही नहीं। उसके लिए कोई बात नहीं, हम एक चैट छोड़ जाएंगे उस पर लिख जाएंगे कि हम आए थे, और या फिर उसे मैसेज कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं वो ज़्यादा सही रहेगा। तो गाइस अभी हमने मैसेज कर दिया फ्रैंकलिन को कि हमने ऐसे ऐसे उसका काम कर दिया है, मतलब जो टैंक जो है उसके घर के बाहर ही खड़ा है, तो जब भी वो आएगा एक बार उसे चेक कर लेगा और बेनी भी उसे ढंग से रिपेयर कर देगा। उसके बाद चलते हैं फिर हम देखते हैं पहले ऐसे टेलीस्कोप के थ्रू यार थोड़ा। अरे भाई रुक जा, हम जा नहीं पा रहे क्या हम इधर से, सॉरी सॉरी घूम के जाना पड़ेगा हमें। देखते हैं टेलीस्कोप से यहाँ से क्या क्या दिखता है। ओह माय गॉड, क्या नज़ारा तो नहीं दिख रहा, इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ज़्यादा साफ भी नहीं दिखता है, लेकिन हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी चलते हैं फिलहाल घर से बाहर। देखते हैं फ्रैंकलिन की कोई गाड़ी वगैरह खड़ी हो तो गैराज में, हमारे लिए गैराज खुलेगा ही नहीं, गैराज क्लोज्ड होगा उस टाइम। कुछ भी नहीं खड़ा यार यहाँ पे, तो यहाँ पे बैक डोर एंट्री है तो सही, पर शायद नहीं खुल रहा हो, ये नहीं खुल रहा ना, बंद है। तो भाई पड़ोसियों के घर में पार्टी चल रही है, चलो यहीं चलते हैं थोड़ी देर, कोई बात नहीं, इसके पड़ोसियों के घर में यहीं पार्टी वार्टी मनाते हैं, थोड़ा नहा धो लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा हम कौन है, सोच रहे कोई गेस्ट ही आया होगा, कोई बात नहीं थोड़ा नहा धो लेते हैं, थोड़ा साफ हो जाएंगे और ऐसे ही चलते हैं बस। भाई क्या शराबियों की तरह बैठा है क्या, शराबियों की तरह बैठा रहता है। चलो भाई यहाँ से पंगा लेना बेकार है यार, पुलिस पीछे पड़ जाएगी भागो, मैं तो ऐसे ही घुस गया था यार। चलो अभी भागते हैं चलते हैं। तो दोस्तों आज की वाली इस वाली वीडियो में बस इतना ही। तो अब आप चाहते हैं हम बैराज गैंग से पूरा बदला लें और उस पूरी गैंग को ख़त्म कर दें, तो जाके नीचे कमेंट करिए वीडियो में, और इस वीडियो पे हम एम करते हैं पूरे 100 लाइक्स के लिए, क्योंकि अभी छोटा लाइक रखते हैं एम छोटा रखते हैं थोड़ा, ताकि आराम से पूरा हो जाए। तो ठीक है, तो जल्दी से आप जाके सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो लाल कलर का बटन हो रहा है उससे दबा दो कैसे भी करके, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो अब तक के लिए बाय बाय।